अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए तफसीलात पर नजर डालते हैं। कड़ा उठा कड़ा मसरत की बात है कि सुनहरे तेलंगाना में गोल्डन बार्कस में 24वां समाज सेवक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो रेजलिंग टूर्नामेंट रिपब्लिक डे के मौके पर मनाकिद होता है उसमें
चार चांद लग गए हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अब तेलंगाना बल्कि दिल्ली से भी यहां पे वर्ल्ड प्रोफेशनल रेजलिंग हब वाले, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी जो है दिल्ली से जो रहेंगे संग्राम सिंह जी, जो एक्टर इंटरनेशनल इंडियन रेसलर भी है, ब्रांड एम्बेसिडर भी है, और प्रवीण गुप्ता जी है, भूपेश कुमार जी है, अब उनके साथ हमारे यहाँ के रियल हीरोज है जो हैदराबाद के अमीशर रेसलर एसोसिएशन के बी संतोष यादव जी हमारे हैदराबाद प्रेसिडेंट है, और हमारे शैलेंद्र सिंह जी जो हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट रेसलिंग के, फिर हमारे पास और एक वन मोर रियल हीरो है नासर खुलागी जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उसके बाद वन मोर रियल हीरो के लिंगम सर है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद किरण यादव जी है जो वाइस प्रेसिडेंट है, फिर और एक वन मोर हीरो मोहम्मद असलम जी है, और उसके बाद आपका हमारा सबका पहला माइनॉरिटी आंध्र केसरी पहलवान खालिद बामस पहलवान है। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और ये जो बामस अखाड़े की जानिब से अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे सलीम भाई को, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बामस साहब को, कि उनकी मेहनतें कावेशी थे कि आज 24वें इसमें जो ये सिलसिला जारी है, मैं टूर्नामेंट चेयरमैन बदर बामस साहब को, उनके बड़े भाई अवध बामस साहब को, खालिद बामस साहब को, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूं कि बच्चों को ऐसे पुराशो माहौल में जो रातों में जगना होटलों में बैठना अपना वतीरा बना चुके हैं, उनको एक रास्ते पे लग जाके स्पोर्ट्स की तरफ लग जाके ना सिर्फ हैदराबाद बारकस तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अपना नाम लोहा मनवाकर सारी दुनिया में नाम रोशन कर रहे, जिसके लिए मैं उनकी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आप लोगों से उस्ताद और खलीफा को सलाम, 25 तारीख को यानी 25 जनवरी को 10 बजे से 12 बजे तक वेट्स है बारकस ग्राउंड पे 25 तारीख को, टाइम का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि टूर्नामेंट कमेटी का फैसला फाइनल फैसला रहता, अंपायर का फैसला फाइनल फैसला रहता, उस डिसीजन को आप कोई भी नहीं कर सकते। समाज सेवक वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बामस अखाड़ा बारकस एंड वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के तहत हैदराबाद केसरी टूर्नामेंट के लिए बारकस में बहुत बड़ा टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है 27 और 28 जनवरी के दिन, 24 तारीख के दिन वेट होगा बारकस में 10 बजे से 12 बजे तक, और इसमें बेहतरीन कुश्तियाँ इंशाल्लाह ताला मुकाबले देखने में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी मजहबी तकलीर के यहाँ पर भेदभाव के बगैर यहाँ पर टूर्नामेंट किए जाते हैं, और सलीम बामस रहमतुल्लाह फरमाए वो इस अखाड़े के बामस अखाड़े के फाउंडर है, उन्होंने ये मेहनत की और आज इस तालीम में अलहमदिल्ला कई आंध्र केसरी तेलंगाना केसरी के पहलवान यहाँ से उभरे, और मकसद यही है बामस अखाड़े का कि पहलवानी को फरोख हो, और इसके लिए मैं तमाम उस्ताद संस्थाओं से गुजारिश करता हूँ कि अपने पहलवानों की पहलवानी तैयारी शुरू कराएं।